सुनने। हाँ दीपक, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने बेटा बताया था? किसने फाइंड आउट करी कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? इट वाज डन बाय चार्ज और इलेक्ट्रॉन किसने बताया जे जे बोलो। थॉमसन, अरे वाह, गलत कर आर दोगे एम मिलिगन, आर एम मिलिगन। तुम तो बेटा मिलिकन ने बताया था। देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। देखो अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो किसने फाइंड आउट करी, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, क्या चीज बेटा, चार्ज टू मास रेशो किसने फाइंड आउट करी, तब आपको क्या बोलना है? तब जे जे थॉमसन ने करी थी, ठीक है, क्यू क्यू ई अपॉन एम ई रेशो। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी थी, किसने फाइंड आउट करी पहली बार, तो क्या बोलोगे बेटा? इट वॉज डन बाय आर एम मिलिकन। आ रहे और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था बेटा उन्होंने, एक्सपेरिमेंट क्या था उनका? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेटा। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें यूज करेंगे याद है दीपक? बताओ बेटा कैसे उन्होंने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करी होगी। हाउ ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग ऑयल ड्रॉप, कैसा सेटअप किया था? एनसीईआरटी में दे रखा है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी थोड़ा सा इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में तो जैसे कि नाम से पता चलता है दीपक, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी बेटा? एक ऑयल ड्रॉप का यूज करेंगे, ऑयल ड्रॉप्स का हम यूज करेंगे, और उनको बेटा क्या कर देंगे, उनके साइज को बहुत ही छोटा कर देंगे। क्या लगाते हैं यहां पर, एक डिवाइस होता है एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या करेगा बेटा, ऑयल ड्रॉप्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप्स, मतलब इतने छोटे एटम के साइज के, एटॉमिक साइज के इतने छोटे छोटे बिल्कुल ऑयल ड्रॉप को बिल्कुल एकदम माइन्यूट करके, एकदम छोटा करके वो क्या करेगा बेटा, ऑयल ड्रॉप्स गिराएगा। ठीक है दिशा, तो अब ये ऑयल ड्रॉप्स बेटा क्या करेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर क्या होते हैं, किसी भी मटेरियल के अंदर एटम्स हैं, और एटम्स के अंदर बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो उन्होंने देखो बेटा और क्या क्या चीजें यूज करी, मैं बताता हूँ। यहाँ पर दो प्लेट ली बेटा, यहाँ पर इस तरीके से दो प्लेट्स ली, फ्री मेटल की, ठीक है, और ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगा। दो फील्ड्स लगाई हैं एक्चुअल में, ये दो प्लेट लगाई है बेटा, ये कैसे हैं, एक कैथोड एक एनोड, इस तरीके से दो मेटल ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक जैसे आपको पता है कि अगर आपको कैथोड रे को स्टडी करना है या यूज करना है, सॉरी चार्ज को, तो बेटा हम क्या करेंगे, ठीक है बेटा, तो हमें क्या चाहिए होगा, चार्ज टू मास रेशियो, ओ सॉरी, चार्ज निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, है ना दीपक? तो इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करने के लिए, मतलब इस पे चार्ज फाइंड आउट करने के लिए बेटा बेसिकली क्या करेंगे हम, यहां पर चार्ज की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मिलीकर ने क्या किया बेटा इसमें, एक तो उन्होंने यहां पर दो प्लेट्स ली, ठीक है, इनको आप बोल सकते हो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रोड्स का ही काम करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगी। अब ये ड्रॉपलेट्स बेटा यहां पर आएंगी, जब इस एरिया में आएंगी यानी तो प्लेट्स के बीच में आएगी, तो यहां पर क्या क्या चीजें हम लेने वाले हैं, यहां पर बेटा हम लेंगे सोर्स ऑफ एक्सरे का सोर्स लेंगे, तो यहां से बेटा बेसिकली क्या होगा, एक्सरे निकलेंगी, कौन सी रे निकलेंगी, एक्सरे। अब एक्सरे बेटा जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो नीचे आ रही है यहां पर, उनसे जब कोलाइड करेंगे तो बेटा उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो एक्साइटेड होंगे, और यहाँ पर बेटा आपने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिए, ठीक है, दो मेटल की प्लेट्स ली है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर एक फील्ड के साथ बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया,
और मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई किया, ठीक है, मैग्नेट भी लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने, तो आप क्या देखोगे बेटा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर बेटा आप क्या देखोगे, जैसे ही ऑयल ड्रॉप्स यहां पर आएंगे इस एरिया में और एक्सरे बेटा उनसे टकराएंगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहां पर डिफ्लेक्शन होना चाहिए बेटा, है ना। पढ़ा था आपने कल वाले एक्सपेरिमेंट में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। अगर बेटा यहाँ पर फोर्सेस को हम बैलेंस कर दें, तो दीपक कौन कौन से फोर्सेस बेटा यहाँ पर दिखते हैं आपको, एक जो एटम है या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन कौन से बेटा फोर्सेस लग रहे होंगे, सोचो। ऊपर से ऑयल ड्रॉप आना शुरू करेंगे तो नीचे की तरफ जा रही है, तो बेटा एक तो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक फोर्स अपना कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हितेश्री आ रही समझ में बात मेरी, एक तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और कौन कौन से फोर्सेस हैं बताओ, मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेट भी तो अपना फोर्स लगा रही है, यहां पर मैग्नेट आपने लगा दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी, बोलो। ये फोर्सेस बेटा अगर हम बैलेंस कर दें, मिलीकर ने क्या किया बेटा, इन फोर्सेस को आपस में क्या किया, बैलेंस करने की कोशिश करी। ये देखो बैलेंस करने की वजह से फिर क्या होगा, यहां से जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक से टकराएंगे, ठीक है, ऑयल ड्रॉप से, तो बेटा वहां पर हम उसकी क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग करके एक तरीके से उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू को बेटा निकाला जा सकता है, ठीक है। जिस स्पीड से वो नीचे गिर रहे हैं, सुनना मेरी बात, जिस स्पीड से बेटा ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रही है उस स्पीड को एक तरीके से कैलकुलेट करके बताया, उससे चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट किया, ठीक है। दीप्ति आया समझ में, बहुत ज्यादा बेटा इसके बारे में नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है इतना, बस बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि कैसा सेटअप था डिवाइस का। तो इस तरह का बेटा एक सेटअप था, ठीक है, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट के अंदर डिवाइस उन्होंने यूज किया, एक एटोमाइजर का यूज किया। एटोमाइजर का बेटा क्या पर्पज था दीपक, ऑयल ड्रॉप के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो एटॉमिक साइज के पार्टिकल्स हों, उनको रिलीज किया जा सके। दीपक ठीक है, समझ रहे मेरी बात, बोलो बेटा, रिप्लाई करो, ये यूज है ना इसका। अगर आप मान लो अगर नॉर्मली ऑयल ड्रॉप यूज करोगे तो उसका मास बेटा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज थोड़ी होगा उसका। एटोमाइजर वर्ड से पता चलता है कि काफी छोटे साइज में, मतलब एटम्स के साइज में इतनी छोटी छोटी ड्रॉपलेट, बिल्कुल जो आपको दिखेंगे भी नहीं, मतलब इतनी बिल्कुल माइन्यूट होंगी, ठीक है, बहुत ही छोटी होंगी, उनको बेटा यहाँ से ड्रॉप किया। और फिर यहाँ पर एक्सरे जो है उसका सोर्स हम यूज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको स्टडी कर पाए, ठीक है, इसके चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें यहाँ पर। तो फिर बेटा दो प्लेट्स लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, एनोड और कैथोड की तरह यहाँ पर दो प्लेट्स लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब यहाँ पर एक्सरे जो आएंगी इससे टकराएंगी, तो कहीं ना कहीं इनके फोर्सेस को बैलेंस करके बेटा हम क्या करेंगे, इसके चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट किया था मिलीकर ने। चार्ज कितना आया था बेटा, क्यूई की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना फाइंड आउट किया था बेटा, आज तक हम उतनी वैल्यू मानते हैं, बाद में चेक भी करा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये बेटा चार्ज की वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। हितेश्री आया बेटा समझ में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज की वैल्यू आई बताओ, यहां इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू निकाली, तो कितनी कैलकुलेट दिख रही है वैल्यू आपको, QE कितनी आएगी बेटा, 1.6 अप्रोक्सीमेटली मान सकते, 1.67 जो भी था, 1.6 समझ के चलो, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज की वैल्यू बेटा फाइंड आउट हुई, ठीक है। आयुष आया समझ में, बोलो। yes, अब आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन, हाँ दीप्ति बोलो, ठीक है, इतना आ गया समझ में, पूछना है कुछ किसी को, इतना बेटा बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में भी बहुत थोड़ा दिया हुआ आपको, ठीक है, इतना थोड़ा एक्सपेरिमेंट बस आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें यूज करी और किससे क्या चीज अपने निकाला, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू को
फाइंड आउट किया। ठीक है हितेश्री, अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू हमने निकाल ली, और इससे पहले बेटा थॉमसन क्या चीज निकाल चुके थे, दीपक क्या चीज बेटा वो निकाल चुके थे, चार्ज टू मास रेशो। तो अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं क्या हम, इन दोनों का यूज करके क्या हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास की सॉरी इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाला, कैसे बेटा कैसे निकलेगा कौन बता सकता है, जल्दी बताओ। ये आपको की हुई चार्ज बाय मास रेशो दे रखी है, यहां आपने चार्ज की वैल्यू निकाल दी। अब अगर आपको मास निकालना है तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा बेटा, क्यूई अपॉन एम ई। अगर मैं चार्ज को इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको क्यूई अपॉन एम ई रेशियो से डिवाइड कर दू, है ना, देखो तो एम ई निकल सकता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो, दिशा निकल जाएगा। क्यूई कितना है बेटा, क्यूई की वैल्यू कितनी आई, मिलीकर ने कितनी बताई, 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। इधर बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर कर दिया मैंने, रुको अब दिख रहा है बेटा, देखो 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है बेटा, दिशा ठीक है। बताओ ये बेटा चार्ज की वैल्यू है, इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, चार्ज टू मास रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी कैलकुलेट करी थी थॉमसन ने, 1.75 × 10⁻¹⁹। अगर बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितनी वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना आता है दीपक, कितनी वैल्यू होती है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 9.1 × 10⁻¹⁹ kg। बोलो आए सामने कैसे निकाला बेटा हमने इलेक्ट्रॉन का मास, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब बेटा चार्ज टू मास रेशो तो पहले ही निकाला जा चुका था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू मिलीकर ने फाइंड आउट कर दी, तो फिर हम क्या निकाल सकते थे, थॉमसन ने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का मास भी बेटा कैलकुलेट कर दिया। सबको आई मेरी बात समझ में, ठीक है दीप्ति, ठीक है बेटा समझ में आ रहा है, रिप्लाई करें, कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया दिख रहा है आपको, पहले बेटा ये थॉमसन ने किया था, ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था कैथोड रे ट्यूब के अंदर, फिर मिलीकर ने बेटा ये क्यूई की वैल्यू दी, उसके बाद बेटा क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग क्यूई, ये रेशियो निकाले क्यूई अपॉन क्यूई, यानी ये रेशियो आपको पहले से दे रखी थी, और चार्ज आपने मिलीकर वाले ने बता दिया, तो मिलीकर ने बताया तो उसको कैलकुलेट कर लिया, सिंपली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट हो गया। आगे सबको समझ में बेटा इतना, ये तो जो था ये बेटा थॉमसन जो है और मिलीकर की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें क्या क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू भी पता चल गई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है और उसका मास कितना होता है। आगे बेटा समझ में सबको, अब आप देखते हैं बेटा थॉमसन का और भी कंट्रीब्यूशन था, एक तो आपको देख रहे हो कि चार्ज टू मास रेशियो निकाली, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, इसके अलावा दीपक और क्या काम किया था उन्होंने, एटम का एक मॉडल भी दिया था बेटा, थॉमसन ने एक अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया था, बोलो था या नहीं था, दैट इज नोन एज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। यस सर। मॉडल में बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज थी बताया जरा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंदर बेटा क्या क्या स्पेशलिटी थी, क्या क्या चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, बोलो बेटा दीपक, भूल गए, याद है, इसको पता है बेटा, ये तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी था, बताओ दिशा, दीपक बोलो, एटम, बोलो बोलो, एटम स्फेरिकल शेप, एटम्स के अंदर एटम पजेसेस स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप होता है, चलो बहुत अच्छी बात है, और क्या बताया उन्होंने, स्फेरिकल शेप होता है,
इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताई थी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या पोजीशन होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहां पर होता है बताओ? इसको याद है बेटा, किस तरह का लगता है ये? उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया बोलो? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बेटा बेटा बात करें, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल तो किससे बेटा कंपेयर किया उन्होंने एटम के मॉडल को? उन्होंने एटम को किससे कंपेयर किया बोलो? भूल गए? ये डायग्राम देखो, ऐसा डायग्राम था, स्फेरिकल शेप में होता है। इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं इसके अंदर? शेल्स के अंदर होते सर इलेक्ट्रॉन। अरे शेल के अंदर, अरे गौरव रुको, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा किसने बताए थे? क्या कर रहे हो तुम अभी बेटा? थॉमसन से शुरुआत कर रहे हैं, अभी थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आएगा, रदरफोर्ड के बाद बोर आएगा, तो बोर में है बेटा शेल्स। तो गौरव शेल्स बेटा किसने बताए थे पहली बार? केएलएमएन शेल, ठीक है, बोर ने बताए थे। अभी हम थॉमसन बेटा रिवाइज कर रहे हैं। थॉमसन तो सबसे पहला मॉडल था, उसमें कैसे थे दिशा बताओ? अरे सब भूल गए, तरबूज की तरह वाटरमेलन से कंपेयर किया था। वाटरमेलन या प्लम प्लडिंग पडिंग केक होता है, जैसे जिसमें स्टफिंग होती है केक के अंदर। हाँ हृदय श्री बताओ बेटा, उससे कंपेयर किया था उन्होंने। ये स्फीयर है, ये एटम है एक स्फेरिकल शेप का। फिर उन्होंने क्या कहा बेटा, ये स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये स्फीयर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और बेटा इलेक्ट्रॉन्स को किससे कंपेयर किया था दीप्ति? इलेक्ट्रॉन्स को किससे कंपेयर किया उन्होंने? मान लो वाटरमेलन है तो वाटरमेलन के अंदर सीड्स भी होते हैं। सीड्स होते हैं जैसे, ये देखो इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह से, आप सबको याद है। तो सिंपल सा डायग्राम था, इसमें कौन सा तुम केएलएमएन शेयर तो बेटा बोर ने दिए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ा चुका हूं एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है दीप्ति बेटा। यस सर। तो अभी हम बेटा थॉमसन मॉडल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, और बोर के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा जिन बच्चों ने पीछे का काम, पीछे के नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, मैं न्यू स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ, बाकियों को बोल रहा हूँ। तो दीपक आप लोगों को क्या करना है, पार्ट अगले पार्ट के नोट्स जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नोट्स जो है, मैं आपको या तो मैंने अपलोड करे थे आई थिंक कल, तो आप लोग चेक करना एक बार हुए या नहीं हुए। ठीक है, देखे थे दीपक? तो आज मैं जरूर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपके नोट्स। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नोट्स बेटा आप कर सकते हो। ठीक है, तब तक शुरू कर दो, तब तक पीछे का रिवीजन एक बार शुरू कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंदर बेटा क्या क्या चीजें थी देखो, एक तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था, और इलेक्ट्रॉन्स बेटा उसके अंदर क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बेटा क्या है? एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बेटा क्या है? एक तरीके से एम्बेडेड है जगह जगह पे, ठीक वैसे ही जैसे एक वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है गौरव, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? हाँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, है ना? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हाँ चलो, तो गौरव बताओ बेटा और क्या क्या बताया था उन्होंने, इसके अलावा भी क्या बताया था इस मॉडल में? एक तो हमने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड हैं, और कुछ बोला था उन्होंने? या बस यही है, पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे? एक तो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में, इसके अलावा बेटा उन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, तो एक्चुअल में बेटा उनका मानना था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेटा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। क्या है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरे स्फीयर के अंदर। यूनिफॉर्मली स्प्रेड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म
का मतलब क्या हुआ, अगर जैसे आप कहीं पर भी अगर देखोगे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू, तो बेटा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए सब जगह, बोलो। यस सर। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है ना कि सभी एक ही जैसे, एक ही जैसे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा पूरे एटम के अंदर हम पॉजिटिव चार्ज को देखे तो बेटा उनका मानना था कि सब जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। किसी भी हिस्से में आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बेटा क्या आएगी, कॉन्स्टेंट या सेम आएगी। ये होता है आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब, ठीक है। तो उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो कहीं कहीं पर क्या होते हैं, रैंडम तरीके से, रैंडम तरीके समझते हो, रैंडम रैंडम मैनर कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई फिक्स पोजिशन नहीं होती है। जैसे बेटा अगर देखें वाटरमेलन के केस में, तो सीड्स की कोई फिक्स पोजिशन है क्या कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर या इस पर्टिकुलर जगह पर वो होंगे, ऐसा कुछ है दीपक? कोई फिक्स प्लेस तो नहीं होता बेटा, यस और नो? नो सर। बताओ। और अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप काउंटिंग की भी बात करोगे, अगर आप मतलब अगर ये पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो सीधी सी बात है, एक वाटरमेलन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या दूसरे वाटरमेलन के अंदर भी उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उतने ही सीड्स होंगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए बेटा कहीं ना कहीं थॉमसन मॉडल जो उन्होंने बताया था वो काफी, उन्होंने एक तरीके से बस रफली बता दिया, ठीक है, उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में बेटा एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है बेटा। आप लोग एक बार दीपक देखना, आज मैंने नोट्स कल अपलोड करे थे बेटा, तो ठीक बरो, हाँ नोट्स में बेटा जाके अगर आप देखना चेक करके कि नोट्स आपको अपलोड हुए या नहीं हुए, जैसे चैप्टर टू के अंदर जाएंगे तो बेटा उसमें तीन पार्ट के नोट्स हैं, थर्ड पार्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है दीपक, तो एक बार चेक करके बेटा बताना कि आप है उस पे, देखे थे आपने? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड बेटा। तो जो बेटा जो पहले के स्टूडेंट्स हैं जिनका काम पूरा हो चुका है, उनसे मैं यही कहूंगा कि बेटा आप लोग जल्दी से आगे के भी नोट्स कंप्लीट कर लें, और नए बच्चों को बेटा यही कहूंगा जिनके अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं कि वो जल्दी से जल्दी क्या करें, नोट्स को कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलो तो उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस यही कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडम तरीके से मौजूद होते हैं, और बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। अब उन्होंने बेटा एक चीज ध्यान दे सभी बच्चे, सबसे मेन डिफरेंस जो है कई बार क्वेश्चंस में भी आता है, तो हृदयश्री बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपको मूव करते हुए बताए थे, मतलब अकॉर्डिंग टू थॉमसन क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्या ऐसा उन्होंने कुछ कहा था, या उन्होंने स्टेटिक माना था, स्टेशनरी माना था इलेक्ट्रॉन्स को बेटा, उन्होंने कैसा माना, स्टेशनरी या या फिर मूविंग, कौन बता सकता है? दीप्ति, हाँ हृदयश्री बोलो बेटा। हाँ फिक्स थी, गुड। तो एक्चुअल में बेटा यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना था, फिक्स पोजीशन पर माना, मतलब कि वो एक जगह मूव नहीं करते, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, समझे मेरी बात, जबकि हम लोग अच्छे से जानते बेटा आज की डेट में कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था बेटा, थॉमसन की सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो बाकी मॉडलों से सबसे डिफरेंस क्या है कि थॉमसन बेटा ही कंसिडर्ड द इलेक्ट्रॉन टू बी इन स्टेशनरी पोजिशंस, उन्होंने माना कि स्टेटिक होता है इलेक्ट्रॉन, कैसा होता है, स्टेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेटिक इन नेचर। अब स्टेटिक इन नेचर मैंने आपको बता दिया इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बेटा मूव नहीं करेंगे, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि लिमिटेशन क्या थी थॉमसन मॉडल की, तो क्या क्या लिमिटेशन थी, उनमें से एक लिमिटेशन बेटा ये भी है कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या मान लिया, स्टेशनरी मान लिया। अब सोचो एक छोटी सी बात मुझे बताओ हृदयश्री, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेटा स्टेटिक है तो
तो मान लो अगर आप किसी, जैसे मान लो मेटल है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर मूव करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यस और नो? होते हैं बेटा। तो अगर इलेक्ट्रॉन हाँ, तो हृदय श्री, हाँ बेटा, एक हृदय श्री आप नोट्स का पूछ रहे थे बेटा, आपको भी मिल गए नोट्स चैप्टर टू के ऐप के ऊपर मिल गए? ठीक है, ठीक है, गुड। तो बेटा आप देखो, स्टेशनरी अगर मान लिया उन्होंने, लेकिन आप कुछ सोच के बताओ मुझे, अगर किसी मेटल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से होता है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्टेटिक मान लें, इलेक्ट्रॉन को ऐसा मान लें कि ये तो रुका हुआ है, तो फिर क्या वो कोई भी मेटल के अंदर करंट फ्लो होना चाहिए फिर, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू थॉमसन? अगर आपने इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब बेटा मूव नहीं करेगा, तो उसकी वजह से कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कंडक्टर काम कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब बेटा है कि कहीं ना कहीं थॉमसन का जो मॉडल है, ये क्या था, उनकी जो बात थी कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होते हैं, वो क्या था बेटा, गलत था, ठीक है। ये पॉइंट जो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, उन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते हैं, वो बेटा फॉल्स हो गया। तो लिमिटेशंस में अगर बात करेंगे, तो क्या क्या लिमिटेशंस होंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए? पहला तो यही कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने स्टैटिक माना, जबकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या होते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मूव करते रहते हैं, मूव, ठीक है साक्षी, सही है। ठीक है गौरव, सही बात है बेटा। तो एक तो लिमिटेशन ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने स्टेशनरी माने, जबकि आगे जो स्टडी हो रही थी उसमें सबको पता चल रहा था कि मेटल्स के केस में या सेमीकंडक्टर के केस में बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा वो मूव जरूर करते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। एक और बेटा पॉइंट है यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, तो आप मुझे बताओ कोई एटम है, तो एटम के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है दीपक? क्या एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है, तो कितनी वैल्यू होती है अगर होता है तो? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होती है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है? अगर आपसे ये पूछूंगे, जैसे चौक है, चौक एटम से बनी हुई है, तो एटम के ऊपर बेटा कोई चार्ज होता है क्या दीपक? इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहा मैं एटम की बात कर रहा हूं। बोलो दीपक, एटम के ऊपर बेटा कोई चार्ज होता है क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, क्या होगा? एटम को आप क्या हमेशा क्या मानते हो? एटम आर न्यूट्रल इन नेचर, है ना? तो सभी बच्चों को समझ में आ रही है मेरी बात, कि एटम का बेटा ओवरऑल चार्ज जीरो होता है। ओवरऑल का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, उतना ही क्या होगा दीपक? नेगेटिव चार्ज होगा, वो उसको बैलेंस कर देगा। तो आप बोलोगे न्यूट्रल है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो अगर आपने न्यूट्रल माना है, अब इस मॉडल को देखकर आपको लगता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन की बेटा कितनी संख्या होगी, ऐसा कुछ फिक्स उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ऐसा फिक्स नहीं बताया कि भाई हर एक एटम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं? उन्होंने तो ये कहा कि रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स को सीड्स की तरह एम्बेडेड होते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात सभी को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने फिक्स नहीं करके बताए, और पॉजिटिव चार्ज भी क्या कहा, पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम नहीं बताई उन्होंने, उन्होंने ये नहीं बताया कि एटम किस, ही वाज नॉट एबल टू टेल कि एटम्स, हाउ एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर। तो बेटा लिमिटेशन में हम क्या बोल सकते हैं, ही डिड नॉट एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में नहीं कर पाए इसने, did not explain। बोलो बेटा समझ में आ रही है बात, did not explain the neutrality of the atom। बोलो ठीक है? Yes। एटम न्यूट्रल होते हैं ये सबको पता है, लेकिन एटम न्यूट्रल होंगे कैसे ये थॉमसन नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने का कोई मेथड नहीं बताया, ना ही कोई काउंटिंग दी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है गौरव? सही है बेटा, समझ में आ गई बात अच्छे से? तो ये दो कमियां जो थी, लिमिटेशंस थी, इसकी वजह से
अभी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ उनकी थॉमसन के बेटा लाइफ की सिर्फ दो ही सबसे बड़ी विशेषताएं थी। एक तो उन्होंने बेटा चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करी, गौरव क्या कैलकुलेट किया बेटा, क्यू अपॉन एम ई रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो वो निकाला और दूसरा बेटा उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला और एक अपना ये मॉडल दिया, बेसिक मॉडल दिया बिल्कुल, ठीक है। और ये मॉडल तो बेटा कहीं ना कहीं क्या था, रिजेक्ट ही होना था, रिजेक्ट होगा। Yes. क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशन है, क्या क्या कमियां है, दिख ही रही है आपको, इलेक्ट्रॉन्स को स्टैटिक मान लिया, दीप्ति बोलो, और एटम की न्यूट्रलिटी को भी नहीं बताया। सर, हाँ सर, और बोलो, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए किस चीज को, उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं था, कोई सपोर्ट के लिए। कौन सा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उनके सपोर्ट में कोई एविडेंस भी नहीं था। नहीं बेटा देखो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था, सुनो आप लोग बेटा मेरी बात समझो, एक्सपेरिमेंट बेटा उन्होंने किया था चार्ज टू मास रेशो वाला, जिसमें मैंने बताया था ना कैथोड रे लिया और उसके अंदर कल जो डायग्राम बनवाया था, कल जो क्लास में एक्सप्लेन किया था, तो बेटा उन्होंने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया, उसके तो उनके पास प्रूफ थे, उसमें तो उन्होंने बेटा बकायदा कैलकुलेट किया चार्ज टू मास रेशो जो निकाला, वो तो कैलकुलेट करके निकाला, तो एक्सपेरिमेंट करके निकाला। लेकिन बेटा इस मॉडल के अंदर कमियों की बात हो रही है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट तो ठीक था उनका, उसमें बेटा चार्ज टू मास रेशियो निकाला वो तो सही था ना, वो तो आप देखते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही तो आता है एसपी रेट में, है कि नहीं, ठीक है, उसकी कमी नहीं थी, कमी बेटा उनके मॉडल एटॉमिक मॉडल की थी, उन्होंने जो एटम का मॉडल दिया वो न्यूट्रलिटी नहीं बता पा रहा है, ठीक है, एटम किस प्रकार से न्यूट्रल होंगे ये नहीं बता पा रहा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मान लिए उन्होंने, ऐसे एम्बेडेड मान लिए, मतलब जैसे रफली बोल दिया उन्होंने, उसको कोई ज्यादा स्टडी एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई और ज्यादा स्टडी नहीं करी, उनके मूवमेंट को लेकर मूव करेंगे या नहीं करेंगे इस तरीके से, ठीक है, समझ गए बच्चे, बोलो। यस सर, यस सर। अब ये कमियां जो थी बेटा किसने सुधारी, द लिमिटेशंस ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज रिमूव्ड बाय द, एक नए साइंटिस्ट थे, नाम क्या था, क्या नाम था दीदी, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्या नाम है बेटा, हाँ गौरव बोलो, रदरफोर्ड, हाँ हाँ सर, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड थे, आप लोग कितना, तो थोड़ा बहुत बताओ मुझे भी पता चले कितना आया आपको। उन्होंने बेटा कुछ किया था, एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, उस फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बेटा, बोलो, एक्सपेरिमेंट का नाम याद है सबको, क्या बोलते हैं उसको, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आया याद, बोलो, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बेटा, किसी को तो याद आ गया होगा, जिसमें उन्होंने क्या लिया था, एक गोल्ड की फॉइल ली थी, बोलो दीप्ति, पढ़ाया नहीं बेटा, भूल गए, यस सर, बताओ क्या क्या चीज थी बेटा, एक्सपेरिमेंट का नाम बताया आपको, क्या था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या था, उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, किसको बोलते हैं अल्फा रे, दीपक, अल्फा रे किसको बोलते हैं, व्हाट आर द अल्फा रे,
बोलो अल्फा रे बेटा क्या होती है? अरे भूल गए बिल्कुल दीपक, बताओ बेटा। व्हाट आर अल्फा रे? किनको बोलेंगे? आई एनर्जी रेडिएशन। माइक थोड़ा बेटा बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ दीपक, साउंड कम आ रही है। आई एनर्जी रेडिएशन। हाँ बेटा अल्फा पार्टिकल्स सर, बोलते हैं अल्फा रे है, अल्फा पार्टिकल्स की। हाँ ठीक है, अल्फा रे एक स्टीम है अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है बेटा, हीलियम पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स Hg2 पॉजिटिवली चार्ज अगर हीलियम एटम्स को क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है ठीक है दीपक, यही है Hg2+। ये देखो हीलियम गैस जो होती है, अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो, ये देखो इट इज नोन एज अल्फा रेज। ठीक है, तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बेटा देखो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली थी बेटा, क्या लिया था? गोल्ड फॉइल ली थी, और इसकी थिकनेस बेटा कितनी थी दिशा? इसकी थिकनेस कितनी रखी थी गोल्ड फॉइल की थिकनेस? इसकी थिकनेस क्या किया? बहुत पतली थिकनेस थी इसकी, थिन गोल्ड फॉइल, लगभग बेटा इसकी 1000 एटम जितनी, सोचो सिर्फ 1000 एटम लिए। अब एक एटम तो बेटा नेक टाई से तो दिख नहीं सकता, इतनी जितनी आप इमेजिन कर सकते हो बिल्कुल पतली एक लेयर ली बेटा। ठीक है दिशा, एक बहुत ही पतली लेयर ली। आप सोच के बता सकते हो कि उन्होंने इतनी पतली लेयर क्यों ली? फॉइल जो है इतना पतला साइज क्यों ले रहे हैं, इतना थिन क्यों ले रहे हैं? दीपक क्या देखना चाहते हैं हम इसमें, उनका पर्पज क्या था बोलो? एटम की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना चाहते थे वो, तो उसके लिए बेटा साइज अपने को कितना होना चाहिए, जितना छोटा हो सके। यस और नो? यस सर। यस सर। और गोल्ड मेडल की क्यों ली ये कौन बता सकता है? ये सब बेटा देखो किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं उस हर चीज का आंसर है साइंस में। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बस याद कर ले, नहीं दीपक इसका भी आंसर है कि बेटा गोल्ड फॉइल क्यों ही ली, एल्युमिनियम फॉइल ले लेते, आयरन की ले लेते या किसी और मेटल की ले लेते। गोल्ड फॉइल इसलिए ली है बेटा क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हो कि गोल्ड मेटल सबसे ज्यादा क्या होता है, डक्टाइल होता है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मैलिबल। तो आप किसी की लेयर पतली पतली लेयर में कब बना सकते हो बोलो? जब क्या हो उसको बीट कर करके अगर आपको बनाना है, मैलिबिलिटी या डक्टिलिटी ज्यादा होगी उतना ही आसानी से बेटा बना पाओगे या नहीं? एकदम पतली थिकनेस करनी है आपको बोलो, सबसे ज्यादा मैलिबिलिटी डक्टिलिटी किसकी है? गोल्ड की होती है, इसीलिए बेटा आपने देखा होगा गोल्ड की इतनी पतली थिकनेस भी हो सकती है, सबसे ज्यादा डक्टाइल है, सबसे ज्यादा आसानी से वो आप उसको कर सकते हो। तो बेटा इतनी पतली थिकनेस की हमने गोल्ड फॉइल ली, फिर यहाँ पर बेटा हमने क्या लिया, एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स का, सोर्स ऑफ अल्फा रे, अल्फा रे का सोर्स लिया। अब क्या होगा बेटा, इस सोर्स से क्या होगा, अल्फा रे टकराएगी, यहाँ से आएगी अल्फा रे इस गोल्ड फॉइल पे टकराएगी। जब बेटा ये टकराएगी तो क्या होगा, जैसे स्ट्राइक करेंगी तो बेटा हमने फिर क्या करना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके ऊपर हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज करेंगे। दीपक फ्लोरोसेंट स्क्रीन का बेटा यूज करेंगे, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अल्फा रे जब टकरा रही है गोल्ड फॉइल के ऊपर, मतलब गोल्ड फॉइल के एटम से बेटा जब टकरा रही है, आप सिंपल ऐसे समझो एटम से जब अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगी तो एक्चुअल में क्या होगा। तो क्या देखा था हमने उसमें बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या किया था याद करो, क्या क्या मेन ऑब्जर्वेशन थे? देखो इस तरीके से अगर मान लो एटम्स हैं ये अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे तो क्या क्या देखने का, क्या दिखता है निशान?
ये देखो ये मैंने एटम्स क्लियर बना दिए इस तरीके की। तो अभी बेटा अगर मान लो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे थे उन्होंने, इसके अंदर बेटा कुछ रिफ्लेक्शन भी होंगे, कुछ रेस तो क्या होंगी बेटा अनडिफ्लेक्टेड चली जाती हैं। पहला पॉइंट क्या था दीपक, उन्होंने क्या देखा बेटा 70% के आसपास जो थी 70-80% जो अल्फा रेस टकराई एटम के साथ वो बेटा क्या हुआ बिना किसी डिफ्लेक्शन के ही चली गई। ठीक है yes, sir. बोलो बेटा हिदयश्री आई मेरी बात समझ में, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उसके अंदर बिना, हाँ बिना किसी बैंड के बेटा स्ट्रेट चली गई। इसका मतलब ये समझो जैसे मान लो अगर इस तरीके से ये चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद था बेटा कुछ थोड़ी बहुत रेज जो थी लगभग 10% के आसपास ले लो, 10% से बेटा 12% के आसपास जो थी वो बैंड हो रही थी, लेकिन बेटा वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन वो छोटे छोटे एंगल्स है बाय स्मॉल एंगल्स। कैसे हो रही थी बेटा डिफ्लेक्ट, ये देखो यहां पर आई और ये डिफ्लेक्ट हो गई छोटे छोटे एंगल, छोटे एंगल का मतलब है इस तरीके से, इस तरीके से आके बैंड हो जाएगी। ठीक है बोलो, है ना स्मॉल एंगल से बेटा डिफ्लेक्ट होगी, अभी इनका मतलब भी है। ठीक है फिर बेटा बहुत कम रेज ऐसी थी जो वापस 180 डिग्री पर वापस चली गई। 180 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे जिस पाथ पर आई थी उसी पाथ पर वापस चली गई। बोलो यस और नो, अगर वापस बेटा अपने पाथ पर चली गई ऐसी रेज कितनी थी लगभग, हाँ क्या बताया था उन्होंने 12,000 या 12,000 में से बेटा सिर्फ एक रे ऐसी थी जो 180 डिग्री पर बेटा पूरी तरीके से कंप्लीट डिफ्लेक्ट चली गई, डिफ्लेक्ट हो गई या डेविएट हो गई। बोलो ठीक है या नहीं, आया समझ बेटा जो मैंने बताया भी आपको, ये सब पढ़ाया आपने। हाँ तो अब इन सब चीजों से आपको क्या क्या चीजें पता चलो। हाँ दीप्ति बोलो बेटा, नाइन्थ में पढ़ा है। हाँ नाइन्थ में पढ़ा है बिल्कुल, लेकिन बेटा इसलिए रिवाइज कराना पड़ता है क्योंकि बच्चे थोड़ी चीजें याद रखते हैं थोड़ी चीज भूल जाते हैं, इसलिए याद कराना पड़ता है। ठीक है चलो तो अच्छी बात है। तो आप मुझे बताओ दीप्ति इन तीनों बातों से आपको क्या समझ में आया, अगर रेस सीधी चली गई तो उसका क्या मतलब था, कंक्लूजन क्या निकल के आया। एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अगर रेस बेटा सीधी चली जा रही है तो उसका मतलब क्या हुआ दीप्ति, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का स्ट्रक्चर है ये एटम है, अगर इसमें सारी रेस सीधी सीधी चली जा रही है बहुत सारी तो इसका मतलब क्या है बेटा, एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है पहले तो होलो होता है। क्या होता है होलो मींस खोखला दीप्ति, है कि नहीं, एटम का ज्यादातर पार्ट बेटा क्या है खोखला है, तभी तो चली गई सीधे स्पेस, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। या इसमें एक चीज और ऐड करो, जहां पर बेटा उसको थोड़ा बहुत कोई अगर चार्ज मिल रहा है तो वो कौन सा चार्ज होगा। अब मान लो ये अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा बोलो, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मान लो ये एटम के अंदर कोई ऐसी चीज है जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा नेगेटिव चार्ज होगी तो क्या होगा, तो अट्रैक्ट होकर चली गई। यस और नो, कोई चीज रिपेल कब होती है, अगर कोई डिफ्लेक्ट, हाँ अगर कोई वापस डिफ्लेक्ट नहीं हो रही सीधे जा रही तो आप ये भी बोल सकते हो कि वहां पर बेटा कोई ऐसी चीज हो सकता है, कोई ऐसा पार्टिकल हो सकता है जिसके ऊपर क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। यस और नो, ठीक है दीप्ति, यस सर हितेश्री आ रही बेटा बात समझ में आ रहा है, कंक्लूजन मेन है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों का क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि एटम के अंदर बेटा ज्यादातर स्पेस जो है वो मैंने बताया होलो होती है, खोखली होती है। ठीक है और इस खोखली जगह में बेटा क्या होते हैं, इस होलो जगह में क्या होते हैं, कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चलता है। अब सोच के बताओ, थॉमसन ने पहले ही बता दिया था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा है कि नहीं, ये देखो
ये इलेक्ट्रॉन है बेटा ऐसे मूव करते हैं, बोलो है ना, ज्यादा तो स्पेस बेटा खाली है और बीच में इसमें क्या है, एक छोटा सा न्यूक्लियस रहेगा। अभी छोटा सा न्यूक्लियस कैसे है मैं आपको बताता हूं, और इसको चार्ज क्या होगा जो बेटा मैंने आपको बताया 12,000 रेज में से एक रे जो वापस जा रही है बिल्कुल 180 डिग्री पर, तो सोचो बेटा पॉजिटिव को कौन वापस भेज सकता है, इतनी कैपेसिटी किसकी है कि पॉजिटिव को वापस अपनी एक्सिस पर 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट कर दे। इससे क्या चीज समझ में आ रही है, बोलो बेटा, कि बीच में क्या होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है बेटा। दीपक आगे बेटा समझ में बात आपको, बीच में कोई न्यूक्लियस होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो, उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। चलो कल की क्लास में बेटा करेंगे, अभी आज के लिए इतना काफी, आप लोग पढ़ना इतना सारा और जो नोट्स मैंने अपलोड करे हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना, ठीक है बेटा। दीप्ति ठीक है बेटा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना थॉमस मॉडल, हाँ कल से फिर आगे का भी करेंगे और पीछे का इसको थोड़ा सा चलते हुए चले, ठीक है, चलो ओके बाय।